ये गैलेंस का 14 प्लेसेस का डिश वॉशर है। इसके सर्विस मोड में कैसे हम एंट्री करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सर्विस मोड की मदद से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि इसके सारे कंपोनेंट जो हैं काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। अगर इनकेस कोई कंपोनेंट फेलियर होगा तो वो एरर शो होगा, या तो वो पहली बार पहले ही आपको एरर दिखा रहा होगा जब भी आप चेक करने जाएंगे। अगर इनकेस वहाँ पे आपको एरर नहीं शो कर रहा है तो इसमें कंपोनेंट कैसे चेक करेंगे विदाउट, मतलब मशीन को अगर आपने अभी खोला नहीं है सिर्फ आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैसे चेक होगा। तो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि सर्विस मोड से हम इसके अंदर टेस्टिंग करें। तो इसका सर्विस मोड जो है वो कैसे खुलता है, पीछे से हमने पावर को ऑन किया हुआ है, मतलब प्लग हमने लगाया हुआ है और उसको ऑन किया हुआ है, लेकिन यहाँ से हमें अभी डिस्प्ले से मशीन को ऑन नहीं किया है। तो डिश वॉशर को तो सर्विस टेस्ट मोड में कैसे डाला जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे पावर बटन है, प्रोग्राम बटन है और डिले बटन दिया हुआ है। तो इसमें करना क्या है, आपको पावर और डिले इन दोनों बटनों को एक साथ प्रेस करना है। एक साथ प्रेस करेंगे तभी वो सर्विस मोड में एंट्री करेगा। तो यहाँ पे आपको देखिए डिले और पावर को मैं दोनों को एक साथ प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 8 आ गया और ये जितने भी इसके अंदर फंक्शन के लाइट्स हैं सारी ऑन हो गई। तो इसका मतलब ये आपका सर्विस मोड के अंदर हमने एंट्री कर लिया। तो अभी हम इसके अंदर वन बाय वन टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं इनलेट वॉल्व इसका काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, ये जो बटन है प्रोग्राम और डिले ये अप और डाउन बटन के तौर पे काम करेगा। तो इसमें 9 से स्टार्ट होता है, तो हम एक बार प्रोग्राम बटन दबाते हैं तो ये 9 नंबर से स्टार्ट हो गया है। तो अगर ये 9 से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे जो इसका इनलेट वॉल्व है वो ओपन हो गया है और यहाँ पे आप देखेंगे इसमें मशीन में पानी जो है इनलेट होना शुरू हो गया है। ये देखिए यहाँ पे जो पानी है मशीन में आना शुरू हो गया है, यानी कि पानी जो है इनलेट वॉल्व से मशीन के अंदर एंट्री हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये चेक कर पा रहे हैं कि पानी जो है इनलेट वॉल्व के थ्रू मशीन में अंदर जा रहा है। ये देखिए तो इस तरीके से यहाँ पे जो पानी है वो मशीन में, ये देखिए स्टार्ट हो गया, पानी अंदर आ गया। तो अब देखिए इसमें जो पानी है वो अंदर स्टोर हो गया, मतलब जितना पानी इसको चाहिए था उसने ले लिया। इसके बाद नौ नंबर में हमने इनलेट वॉल्व टेस्ट कर लिया है। इसके बाद हम इसको डिले को प्रेस करेंगे, अभी हमने प्रोग्राम प्रेस किया था अब डिले प्रेस करेंगे। तो 8 नंबर आने के बाद इसके अंदर जो डिस्पेंसर है अंदर में जहाँ पे डिटर्जेंट वगैरह हम डालते हैं उसके अंदर कैप रहता है, वो कैप अगर बंद रहेगा तो वो ओपन हो जाएगा, तो उसका भी एक आवाज़ भी आया था। उसके बाद हम फिर से प्रोग्राम बटन दबाएंगे, यानी कि पहले एक ये दबाया फिर डिले दबाया फिर हम प्रोग्राम दबाएंगे, तो यहाँ पर चेंज होगी डिजिट। अब ये देखिए 5 नंबर पर आ गया, तो इसमें क्या हो रहा है कि ड्रेन पम्प ऑन हो गया है और जो मशीन में से पानी है वो देखिए बाहर आना शुरू हो गया, यानी कि इसका ड्रेन पंप भी ठीक से काम कर रहा है। ये देखिए पानी जो है इसमें से आना शुरू हो गया। तो ये ड्रेन पंप से पानी भी आना शुरू हो गया बाहर, तो हमारा ड्रेन पंप भी टेस्ट हो गया। इसके बाद हम वापस डिले दबाएंगे, 4 नंबर पे आ गया। उसके बाद पानी फिर से आना शुरू हो गया मशीन में। अभी इसमें पानी भरेगा, जब इसमें पानी भरना रुक जाएगा स्टॉप हो जाएगा तब हम इसका नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे। उसमें इंटरनली जो प्रेशर पंप है पानी का जो स्प्रे आर्म को घुमाएगा वो चालू हो जाएगा। तो अभी पानी इनलेट हो रहा है इसमें, अभी भी पानी इसमें भर रहा है, इसकी आवाज़ आ रही है मुझे।
अभी इसमें स्टॉप हो गया। तो आपका इनलेट वाल्व जो है पानी इसमें जितना आना चाहिए था वो उसमें भर गया है। इसके बाद अभी हम इसमें नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे, 3 आएगा। इसमें 3 आने के बाद इसका स्प्रे आर्म चालू हो गया। अगर आप इसका आवाज़ सुन पा रहे होंगे, इसका जो स्प्रे आर्म है वो अंदर घूम रहा है। आपको आवाज़ आ रहा होगा, देखिए जो स्प्रे आर्म है वो घूमना शुरू हो गया इसमें से, और ये जो अंदर स्प्रे आर्म चलता है वो घूम रहा है। मैं एक बार इसको खोल के दिखाता हूँ आपको, लेकिन एरर आ सकता है, लेकिन आपको मैं एक बार चेक कराता हूँ। अंदर मशीन जो है पानी अंदर घूम रहा है, ये देखिए पूरा स्प्रे आर्म घूम रहा था। अभी हम इसको वापस बंद करते हैं, ये फिर से स्टार्ट हो गया। एक बार और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए तो ये पूरे मशीन में जो पानी है भर गया है और आपका इंटरनली आर्म जो है घूम रहा है। उसके बाद अभी हमने ये भी चेक कर लिया कि इसका ड्रेन पम्प और स्प्रे आर्म घूम रहा है नहीं घूम रहा। उसके बाद हम वापस दबाएंगे, सॉरी डीले को दबाएंगे वापस। तो अब जितना भी इसमें सेंसर लगे हुए हैं वो टेस्ट हो रहे हैं, तो सेंसर आपको नहीं पता चल पाएंगे। अगर कोई सेंसर में फॉल्ट होगा तो यहाँ पर मशीन डिस्प्ले पर एरर शो करेगी। अब उसके बाद लास्ट पर हम प्रेस करेंगे तो जितना भी इसमें पानी है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। देखें, ये देखिए ये देखिए पानी जो है पूरा का पूरा वापस ड्रेन आउट हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा ड्रेन पाइप पंप भी जो है वो ठीक से वर्क कर रहा है। तो ये अभी पूरी तरीके से पानी जो है ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये टेस्ट का करने का तरीका था जिससे हम ये टेस्ट कर सकते हैं जो मशीन जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ड्रेन पाइप है उसका हाइट इस मशीन की हाइट से थोड़ा सा ऊपर बराबर में रहना चाहिए, जिससे कि ड्रेन पाइप की स्लोप जो है वो बनी रहे और फ्लैट नहीं करना है इसे, नहीं तो आपको E7 एरर आ सकता है। उसके बाद वापस दबाते हैं 0। तो ये हमारा जो सर्विस मोड का प्रोसेस था वो पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम डिशवाशर की कंपोनेंट की टेस्टिंग कर सकते हैं। थैंक यू।